लॉक करिया, लॉक करने के बाद इसकी जो विंडोज है ना सब बारी बारी भाई अपने आप ऊपर चढ़ गए। ये होता है भाई रिले लगाने का फायदा। और इसकी जो गारंटी है वो 15 इयर्स की गारंटी है। 15 इयर्स, जब तक आपकी गाड़ी है तब तक इस सीट कवर में अगर कुछ हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फ्लैश लाइट मैंने बंद कर लिया ताकि मैं आपको इसकी जो लाइट्स है ना एम्बिएंट लाइट ये दिखा सकूं। भाई क्या लुक आ रही है, आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये टॉप वेरिएंट की कैटेगरी में यानी कि टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स अब आपकी गाड़ी में भी है, चाहे वो सिग्मा वेरिएंट ही हो। साथ में नीचे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो 360 का जो कैमरा है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। दोस्तों कैसे हो आप, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ करोड़ बाग में और आपको दिखा देता हूँ मैं आज कहाँ पे आया हूँ। आज मैं आया हूँ सन्नी कार सीट कवर यानी कि एक एसेसरी शॉप है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने इससे पहले भी वीडियोस देखी है तो। और आज जिस गाड़ी में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ना वो है अपनी ग्रैंड विटारा। इस ग्रैंड विटारा का ये सिग्मा वेरियंट है यानी कि इसका ये बेस वेरियंट है। इस बेस वेरियंट में देखो क्या क्या चीज़ें करने वाला है ये सब आपको अभी दिखाऊंगा। वैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अलॉय व्हील्स या टॉप मॉडल वैसे इसको बना दिया है। इस गाड़ी का आज हम करने वाले हैं सिस्टम हैंग। सिस्टम हैंग कौन सी लैंग्वेज में बोलता हूँ आप लोगों को पता है, जिस गाड़ी में बेस टू टॉप काम करते हैं ना और उसको बेस से टॉप जब लेके जाते हैं तो उसको मैंने नाम दिया हुआ सिस्टम हैंग। बट हाँ इस गाड़ी में जो जो काम होगा ये सब चीज़ें देखने के बाद ना आपका भी मन करेगा कि आप अपनी ग्रैंड विटारा में ये सारा काम कराओ। और जो भी भाई खास करके इसका बेस वेरियंट लेते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं और अपना मन चाह काम करवा के जाते हैं अपनी गाड़ी में। रही बात भाई प्राइसिंग की, जो कि आपको पता है कि मार्केट में हर कोई इतना प्राइस नहीं खोलता, जैसे कि मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ में प्राइस खुलवा रखे हैं। तो सेम मैं राकेश भाई का पहले तो स्वागत करूँगा। राकेश भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया ठीक हो। तो राकेश भाई सबसे पहले तो ये बताओ इस गाड़ी का हम सिस्टम हैंग करेंगे आज। सिस्टम हैंग मैं बोलता हूँ भाई जब बेस टू टॉप अच्छा वाला जी बिल्कुल। मैं ना एक ही रूल रखता हूँ कि अपने जो व्यूअर है ना जो वीडियो देख रहे हैं उनको विद प्राइसिंग बताया जाए। बिल्कुल खोल दो क्या? प्राइस हाँ ओपन करेंगे बिल्कुल। प्राइस हम ओपन करने वाले, देखो सारे पार्ट के खुलवा दूंगा प्राइस, सारे पार्ट के पार्ट टू पार्ट प्राइस ओपन होएगा। चलो भाई तो जैसा कि अभी राकेश भाई ने बोला है कि भाई सारे प्राइस आज ओपन होने वाले, तो भाई थाम लो अपनी कुर्सी बेल्ट या जैसे भी जहां पर भी है, फोन अपने हाथ में है, लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस ग्रैंड विटारा में यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि काम ऑलरेडी इसमें चल रहा है और मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, बरसात हो रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट पहुँचा, बट हाँ काम आपने शुरू करवा रखा है। बिल्कुल इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ एम्बिएंट लाइट का डब्बा पड़ा हुआ है, भैया K4 लगा रहे हैं। ये K4 है विद 6 पीसेस विद 1 ईयर गारंटी। ओके चलो ना एक बार ये ऐसा कर देना, थोड़ा सा एक छोटा सा लुक आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या अंदर से अभी तक कर दिया गया है। तो ये दिखाओ, ये देखो, ओहो जबरदस्त भाई K4 की तो बात ही अलग है यार। अंदर आप देखते हो पूरा रेनबो भाई ने कर दिया है, 360 कैमरा भी इसमें लगाया जा रहा है। भैया हमने स्टेयरिंग पे भी कोई काम किया है क्या? स्टेयरिंग में हमने अभी फिलहाल स्टेयरिंग रैप ऑन किया है। okay. अगर आप चाहेंगे स्टेयरिंग चेंज करवाना टॉप मॉडल वाली तो वो भी हो जाएगी, जिसके साथ आपको स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। चलो शुरुआत कर देते हैं, स्टेयरिंग अगर हम नया लगवाते हैं तो उसी से शुरुआत करते हैं, उसी का प्राइस बोल दो जी। उसका प्राइस होगा 3500। 3500 में पूरा स्टेयरिंग टॉप मॉडल वाला? टॉप मॉडल वाला। तो भाई देख सकते हो जिस भाई को चेंज करवाना हो वो यहाँ पर स्टेयरिंग भी अपना चेंज करा सकता है, उसमें रैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी रैपिंग होती है। ओके तो ये सब चीज़ें हैं। भैया हमने मिरर में भी कोई काम किया है? साइड मिरर साइड मिरर रिले लगाई है RD कंपनी की विद 1 ईयर गारंटी, ऑल ओवर इंडिया गारंटी होगी इसकी। यानी कि अपनी ये अब जो है ये ऑटो फोल्ड पे काम करेगी? ऑटो फोल्ड पे काम करेगी। नाइस। और भी सारी चीजें हैं जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूँ भाई, डोर वाइजर इसमें लगाए गए हैं, सीट कवर इसमें लगाए गए हैं वो भी बहुत जबरदस्त वाले लग रहे हैं, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पीछे से थोड़ा अगर मैं लुक दिखाऊँ तो यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है जो कि आपका स्मोक में रहेगा। ये वर्किंग मैं आपको दिखा दूंगा, ये देख सकते हो आप, ये देखिए लो भैया ने ऑन ही कर दिया जैसे मैंने बोला, ये देख सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि आप जब देखोगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ये देख सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक सैंपल्स दिखा रहा हूँ, बाकी जब गाड़ी में काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक एक करके दिखाऊंगा। रही बात प्राइस की तो मुझे याद है कि इसके प्राइस खोलने हैं, तो भाई बैठे रहना वीडियो में, स्किप मत करना वरना बहुत कुछ अपने से मिस हो सकता है। तो भाई फाइनली अपनी ग्रैंड विटारा में काम कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आ चुकी है इसको दिखाने की कि इसमें क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। देखो जो कंपनी इसमें देती है प्रोजेक्टर देती है, लेकिन इसके अंदर ना हेलोजन लाइट लगा के देती है, बट आपका ऑप्शन होता है कि आप इसमें LED लाइट लगवा सकते हो। खैर आज ये वाला काम नहीं किया गया है बट आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर LED लाइट जो है ना वो लगवा सकते हो।
एलईडी लाइट आपको पता कि भाई इससे तो कम से कम 20 गुना ज्यादा लाइट देती ही देती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर इसके जो रूफ रेल्स हैं वो लगाए गए हैं, जो कि आपको थोड़ा सा पास से मैं दिखा देता हूँ, फ्लैश भी ऑन कर लेता हूँ, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से जो अपनी रूफ रेल है ना, ये अपनी गाड़ी को लग चुके हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप का आता है, यानी कि डुअल टोन में भी आता है, सिल्वर आता है और अपना ब्लैक वाला आता है, तो इस पर आज ब्लैक वाला लगाया गया। और बात करूँ जैसे कि भैया ने बता दिया था कि इसकी जो मिरर है इसमें रिले लगाई गई है, रिले इसलिए लगाई गई है ताकि इसको ऑटो फोल्ड किया जा सके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिले लगाने के बाद आपकी गाड़ी पहुँच जाती है सीधा टॉप वेरिएंट की कैटेगरी में, यानी कि टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स अब आपकी गाड़ी में भी हैं, चाहे वो सिग्मा वेरिएंट ही हो। साथ में नीचे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर जो 360 का जो कैमरा है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये आप देख सकते हो, एक कैमरा यहाँ पर है, दूसरा दूसरे मिरर पे है, और एक कैमरा यहाँ पर फ्रंट में भी लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लगाया गया, और एक जो चौथा कैमरा है वो तो आपको पता ही है कि वो रेयर में लगा दिया गया है, ये आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो, उसकी फिटिंग जो है यहाँ पर आ गई है। और बात करूँ इसकी जो रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं, ये देखिए क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो स्मोक लाइट यहाँ पर लगाई गई है, बहुत ही प्यारी तरह से ये लाइट दे रही है। मैं भाई को बोलूँगा एक बार आप जरा ब्रेक पे पैर रखो, इसके दूसरे फंक्शंस भी दिखा दूँ मैं, ये लो अनलॉक कर दिया मैंने, देखो तो टर्न इंडिकेटर का भी काम करेगी और ब्रेक पे कुछ इस तरह से वर्क करेगी। इंडिकेटर देना भैया इस तरफ का, राइट का, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये काम कर रही है, ज़बरदस्त लुक के साथ में। अगर आपकी गाड़ी में नहीं आया ना भाई, आपको कराना बनता है, बहुत ज़बरदस्त लुक इससे हो जाती है। डोर वाइजर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्रोम लाइनिंग वाले जो डोर वाइजर है ये इसमें इंसर्ट करेगा, बट अगर आपको चाहिए कि भाई प्लेन वाले लगाने तो वो भी ऑप्शन होते हैं। तो ये टोटल 6 पीस में लगता है, 3 इस तरफ लगता है, 3 दूसरी साइड में लगता है, तो टोटल 6 पीस में हो जाता है। जिस भाई को लोअर गार्निश लगवानी हो वो भी यहाँ पर लगवा सकता है, आज इस गाड़ी में नहीं है, बट हाँ ऑप्शन आपके पास है, आप लगा सकते हो। डोर गार्ड यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि आईपॉप के हैं, ये आप देख सकते हो इस तरह से लगाए गए। बाकी यहाँ पर साइड बिडिंग जो है वो लगाई गई है और वह प्रॉपर क्रोम में रहेगी, ये आप देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी गाड़ी को लुक जो है ना वो दे सकते हो। थोड़ा सा मैं गाड़ी को पूरा दिखाऊँ आपको, तो इस तरह से आप देख सकते हो गाड़ी की जो लुक है ना पूरी चेंज हो जाती है, जैसे कि इसमें रूफ रेल लगा दिए गए या फिर डोर वाइजर लगा दिए गए तो पूरी चेंज लगती है। प्लस इसमें अलॉय व्हील लगाए गए हैं, अलॉय व्हील के जैसे मेरी बात हुई थी तो जिनकी गाड़ी है उन्होंने क्या किया कि बाहर से लगवा लिया, बट सेम अगर आप यहाँ से चाहो कि वन शॉप आपको वर्क कराना तो वो भी काम यहाँ पर हो जाता है, तो ऐसी कोई टेंशन आएगी नहीं आपको। इसके प्राइस लगभग 40,000 रुपये के पड़ते हैं अगर आप सेम कंपनी वाले लेते हो, सुजुकी का ही है भाई ये आप देख सकते हो, तो ये सेम आप भी लगा सकते हो, 38,000 से 40,000 रुपये का इसका जो सेट है वो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या किया गया है। बात करें अगर इसके डोर से, तो डोर तो देखो अभी तो पूरा पैक हो चुका है, लेकिन अगर डोर गत्ते जैसे खुले तो उस टाइम पे वो शॉट मैंने लिया नहीं, बट हाँ इसके अंदर डैम्पिंग लगा चुके हैं हम। और कौन सी लगाई है हमने भाई? क्विकसोनिक की लगाई है, इसमें डबल लेयर डैम्पिंग इसमें करी गई है। बाकी अगर आप इंटीरियर वर्क कराना चाहते हो, इंटीरियर वर्क भी आपकी गाड़ी में हो सकता है। जो ये पार्टन है ये पूरा अभी भी देखो कपड़े का है, तो अभी भी सॉफ्ट बट ये कपड़े का है, बट आप चाहो तो उसको लेदर राइड करा सकते हो और ज़्यादा प्रीमियम फील आपकी गाड़ी को आ जाता है। तो इंटीरियर तो देखो आप पूरी गाड़ी का ही चेंज करा सकते हो, रूफ का भी कलर चेंज करा सकते हो, पिलर्स के भी जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, डैशबोर्ड पे भी सॉफ्ट टच आपका हो जाता है, ठीक है। तो साइड पैनल हो, डैशबोर्ड हो, सबके ऊपर आप सॉफ्ट टच करवा सकते हो। जो डोर शैशे है यानी कि जो ट्यूटर शैशे होता था वो भी यहाँ पर लगाया गया है, जैसा कि कंपनी से आता है भाई टॉप वेरिएंट्स में कुछ इस तरह से लगा दिया गया। स्टीयरिंग का आपको मैंने बता दिया था, स्टीयरिंग पे जिसको जो जैसे कंट्रोल नहीं आया वो लगवा सकते हैं, ये तो खैर कंपनी से आया हुआ, बट जिसकी गाड़ी में नहीं है वो लगवा सकता है, या फिर पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील वो चेंज करा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी को डेफिनेटली एक अच्छी लुक दे देती है। बाकी रही सीट कवर की बात, तो प्रीमियम सीट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हो, प्रीमियम सीट बोले तो बहुत अच्छे कम्फर्ट वाली और बहुत अच्छे लुक वाली जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ये देख सकते हो, और पूरा बकेट में रहेगा, जब आप बैठोगे तो एक अच्छा कम्फर्ट फील होगा, यहाँ पर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा सा मिलने की उम्मीद हो जाती है, ठीक है। एम्बिएंट लाइट भाई, एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो, ये देखो अपनी फ्लैश लाइट मैंने बंद कर ली ताकि मैं आपको इसकी जो लाइट्स है ना एम्बिएंट लाइट ये दिखा सकूं भाई, क्या लुक आ रही है, आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये देखो तो रेनबो लाइट अभी इस टाइम पे आ रही है। K4 सीरीज की ना बात ही ऐसी है कि आप इसमें जब लाइट लगवाते हो तो अलग अलग पैटर्न में आप इसको यूज कर सकते हो, जैसा भी भाई चेंज कर रहे हैं देख ही रहे हो आप, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न्स में आप इसको यूज़ करोगे, पीछे वाले डोर पे भी आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से लगाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो मेरा वाला जो है ना भाई वो है इसका रेनबो जो शेड आता है, ये वाला शेड, ये आप देख सकते हो यार, ज़बरदस्त लुक के साथ में अगर मैं लाइट भी जलाऊँ तब भी देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो
ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को सजा सकते हो बहुत अच्छे से। हाँ, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो भैया ने जैसे बताया कि भाई नीचे की फ्लोरिंग भी करी है, ये आप देख सकते हो, ये देखो फिनिशिंग आपको दिखा दूँ, पूरी प्रॉपर तरीके से इसको फिट किया गया है भाई, और 7D मैट्स इसमें लगा दिए गए। तो ये सारा काम इसमें आज हुआ है, स्टीयरिंग रैपिंग इसमें करी गई है, शायद मैं बताना भूल गया हूँ, बट हाँ अगर नहीं बता तब भी आप सुन लो कि स्टीयरिंग रैप किया गया है। बाकी आप इसके स्टिचिंग का काम आपको दिखा दूँ, ये देखो प्रॉपर तरीके से सिलाई करी गई है, कहीं से भी निकलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। फिनिशिंग पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया। सिस्टम की बात करें तो डैप्स यहाँ पर आप देख सकते हो, डैप्स का सिस्टम है, 4GB 64GB वाला ये वेरियंट अपने पास आज रहने वाला है। थोड़ा सा लाइट बंद करके और दिखाऊँ आपको, ठीक है। और स्पीकर्स जो है ना वो JBL के कंपोनेंट और को एक्सल्स इसमें लगाए गए हैं, ताकि साउंड इफेक्ट ना आपकी गाड़ी में अच्छा आ सके। मैं भाई को बोलता हूँ कि भाई इसमें ना कोई NCS सॉन्ग चला दो, ताकि थोड़ा सा म्यूजिक टेस्ट भी हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। म्यूजिक वाले पे कर दो, तो ये देखा आपने कि यहाँ पर जो अपने म्यूजिक बेस पे भी ना ये पूरा जो थीम है एम्बिएंट लाइट की वो भी वर्क कर रही थी, तो काफ़ी प्यारी हो जाती है। और अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके लिए एक मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। एक बार मैं भाई को बोलूँगा जरा दिखाइए कि एक एप्लीकेशन होती है, वो सिंपल से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन है ओके जरा दिखाना, एक बार इसको खोलना ओपन करना। तो ये एप्लीकेशन है, आप ये ओपन कर सकते हो, छोटी सी एप्लीकेशन होती है, उसके बाद बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब बात रही भाई ओनरशिप रिव्यू की, तो वो भी ले लेते हैं और प्राइस की भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, भैया से मिलवाऊंगा राकेश भैया से, वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं, ओनरशिप रिव्यू लेते हैं इस गाड़ी का, और ओनर से ही पूछते हैं कि उनको यह सारा काम कैसा लगा। तो फाइनली अपनी गाड़ी में जैसे काम हो गया है, आप दोनों का सबसे पहले मैं नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से आया प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम निसार है। ओके, कहाँ से आए हो आप? और इधर दिल्ली में, साउथ दिल्ली। अच्छा, अबुल फजल। ओके सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफरोज जी। ओके, तो आप लोग सब साथ में आए गाड़ी में, और गाड़ी का काम जैसा आप लोगों ने करा है, ये सारा काम आपको कैसा लगा ये जानना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके, 10 में से अगर कुछ नंबर मांगू इस काम के लिए तो कितने नंबर दोगे आज आप? 10 ऑफ 10 है। पूरे नंबर दोगे? काम से खुश हो आप, सेटिस्फाई हो? तो जैसे घर जाएगी जब ये गाड़ी, तो फैमिली वाले फ्रेंड सर्कल में सब पूछेंगे भाई ये गाड़ी आपने कहाँ से रेडी करवाई है, तो आप बताओगे कि सन्नी कार पे आकर हमने कराई है? बिल्कुल, है ना। ओके, और अगर मैं ओवरऑल खर्चे की बात करूँ तो इस गाड़ी के काम के लिए कितने पैसे खर्चने पड़े आज आपको? अराउंड 65,000 के अराउंड आपको खर्चना पड़ा है, जिसमें आपके अलॉय इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट? अगर लगभग ये मिला दें तो लगभग लाख रुपए के आसपास ये काम हो गया है ना। तो 40,000 के, जैसे मैंने बताया था, 38,000 से 40,000 रुपये में ऐसे व्हील जो है ना वो आप लगा सकते हो। बट हाँ, उसके अगर मैं वो अगर अलॉय व्हील के पैसे ना जोड़े तो 40,000 हटा करके वही 60,000 से 65,000 रुपये में ये सारा काम हो गया। तो जैसे अपने भाई तो बहुत खुश है इस गाड़ी के काम से, अब ले चलता हूँ मैं आपको भैया के पास। थैंक यू आप लोगों का पहले, तो अब मैं राकेश भैया के पास ले जाता हूँ। राकेश भैया कैसे हो? बढ़िया भैया। अब अपने पास आप माइक संभालो, अब आपको खोलना है इसके प्राइस जैसा हमने वीडियो में प्रॉमिस किया था। अब आप एक एक करके बताना शुरू करो। बिल्कुल सर, आज ये इंटीरियर से मैं स्टार्ट करता हूँ, आज आप बैठ रहे हो, मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो भैया हमने इसमें जो ये सिस्टम लगाई है ये डैप्स कंपनी की है, और ये 4GB रैम है, 64GB इंटरनल मेमोरी है, विद कार प्ले है। ये भी सारा जो फंक्शन है वो वायरलेस होगा इसका। ओके, विद 360 डिग्री कैमराज। तो इसका जो कॉस्टिंग पड़ा है तो वो पड़ा है 21,500। एंड इसके बाद हमने इसमें सीट कवर जो लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं सीट कवर, इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी ब्राइट लग रहा होगा, और इसकी डिज़ाइन वगैरह भी आप काफ़ी देख सकते हैं, फिटिंग देख सकते हैं, कहीं भी एक भी सिलवटे आप नहीं देखेंगे इसके अंदर। बिल्कुल। तो और इसकी जो गारंटी है वो 15 ईयर्स की गारंटी है। 15 ईयर्स? यस, जब तक आपकी गाड़ी है तब तक इस सीट कवर में अगर कुछ हो जाता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है। बेसिकली होता है क्या कि ये इसकी पपड़ी हटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, मे बी होता है, कोइंसिडेंस ही वो माना जाएगा,
अगर हो जाता है तो मैं रिप्लेस करके आपको दूंगा। ओके okay. इसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी इस सीट कवर की वो पड़ेगी 7500 रुपीज विद इंस्टॉलेशन। ओके okay. इसमें एक्स्ट्रा लेबर चार्ज या एंड्रॉइड का जो मैं बता रहा हूँ या सीट कवर का बताया हूँ अभी तक, इसमें कोई भी लेबर चार्ज विद इंक्लूडेड है लेबर चार्ज इसके okay. अंदर। एंड इसके अंदर देखे आप क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हमने करी है जिसकी फिटिंग आप देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, कहीं भी इसमें भी सिलबटे नहीं होगी, बिल्कुल बकेट टू बकेट है, नेक टू नेक होगा, बकेट होगा, कहीं भी सिलपटे नजर नहीं है। इसका जो कॉस्टिंग है विद इंस्टॉलेशन 2500 का है हमारे, 2500 का। यस एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा एम्बिएंट लाइट का। एम्बिएंट लाइट है ये जो है ये K4 में है, 6 पीसेस में। ठीक है, 6 पीसेस में ये एम्बिएंट लाइट है जिसकी ब्राइटनेस या फिटिंग आप देख सकते हो कि कहीं से भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल नेक टू नेक है, कहीं से भी आप आउट इसको नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल। इसकी फिनिशिंग देख लो। इसका जो कॉस्टिंग पड़ेगा आपको वो पड़ेगा 5500 रुपीज ओके विद इंस्टॉलेशन। वारंटी भी है इसकी? वारंटी 1 ईयर की, फुल रिप्लेसमेंट गारंटी है। अच्छा। यस गारंटी है इसकी, अगर कोई भी पीस सपोज दैट खराब हो जाता है तो रिप्लेस करके हम आपको देंगे। मे बी कि आप अगर दिल्ली एनसीआर में रखते हैं तो आपको होम सर्विस भी छोटी छोटी कामों के लिए मैं वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। नाइस यार, मतलब आपकी सर्विस भी फिर तो अच्छी है। बिल्कुल नाइस। बाकी भैया इसकी लुक जो है ना वो भी बहुत प्यारी निकल के आ रही है जी। बिल्कुल, फिटिंग काफी अच्छी हुई है। फिटिंग आप एंड्रॉइड का देख लो। हाँ, इसका फ्रेम भी हमने लगाया है, ग्लॉसी फ्रेम है, ग्लॉसी फ्रेम है। यस, सीट कवर की फिनिशिंग आप देख लो या ओवरऑल फिनिशिंग में आप देख लो कि जो भी काम करता है वो प्रोफेशनल वर्क करता है। अगर जो लड़का हमारे पास काम करता है अगर एम्बियंट लाइट वो लगा रहे तो ओनली एम्बियंट लाइट लगाएगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा। जो सीट कवर करेगा वो ओनली सीट कवर करेगा, जो फ्लोरिंग कर रहा है वो ओनली फ्लोरिंग करेगा। सबके काम इसमें डिवाइडेड है, जिसका डिवाइडेड है वही काम, जो प्रोफेशनल बंदा है जिस काम के लिए है वो वही काम करेगा। नाइस। और आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर सपोज दैट नहीं मिलता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आती है। गुड। देखो भैया यही चाहिए होता है, जब कस्टमर पैसा खर्चता है ना तो उसको काम भी वैसे ही चाहिए। जी बिल्कुल, वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अच्छा काम करता है। सर होता है क्या कि कोई भी बंदा अगर कोई गाड़ी लेता है तो उसका डिजायर होता है, एक सपना होता है कि मैं गाड़ी लूंगा, और वो क्या करते हैं गाड़ी डायरेक्ट निकालते हैं शोरूम से और आते हैं मार्केट में। बिल्कुल। अगर हम उनकी गाड़ी को ऐसी तैसी कर दे या कहीं खोल के ये पार्ट वहां कर दिया, ये पार्ट वहां कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसमें दिक्कत आती है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, उनका डिजायर पे हम 100% खरे उतरे जी। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज लेते हो, सपोज दैट गाड़ी नहीं हो, कोई भी चीज लेते हो, वो आपका डिजायर होता है कि चलो ये काम हमने करना है, ये हमने ले लिया, तो हमारी वो सपना होता है, और वो आते हैं हमारे पास कि भैया इसमें और थोड़ा 4 चांद लगा दो, तो वो हमने लगा के दिया है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, काम इसमें देखो नो डाउट इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, फिनिशिंग साथ हुआ है, चाहे उसका सिस्टम हो, सिस्टम का फ्रेम हो, लाइट्स हो, सीट कवर्स हो, ठीक है, नीचे फ्लोरिंग हो, ये सब कुछ जैसा हमने किया। मैं एक बार आपको सारा चीज भी गिनवा देता हूँ कि क्या क्या हमने करा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें हमने 464 में एंड्रॉइड जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी, अभी मैं रिवाइज करवा देता हूँ और ओवल और कॉस्ट ऑल कॉस्टिंग जो है वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी। ठीक है, सारी वैसे तो एक एक चीज का हमने आपको बता दिया है, ओवल ऑल कॉस्टिंग जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है बताइए। तो इसमें जो है हमने ये आपको बता दिया कि 464 में एंड्रॉयड है विथ कार्यपल प्ले एंड विथ 360 डिग्री कैमरा। आफ्टर दैट ये एम्बिएंट लाइट इंटीरियर से मैं बता रहा हूँ, तो एम्बिएंट लाइट आप देख रहे होंगे नीचे में, फ्लोरिंग हमने आपको दिखाई है, सीट कवर हो गया हमारे, ये इंटीरियर का हमारा काम है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल काम है वो हमने करा है, एक हॉर्न इंस्टॉल कराया अभी, ये भी बजा के जरा सुना दो। हाँ बजा दीजिए, क्रेटा का प्योर नॉइज़, आप लोग गाड़ी बंद है तो भी साउंड सुने होंगे, साउंड काफी अच्छा, कि काफी अच्छा होगा, प्योर क्रेटा का ही साउंड है ये, उसकी भी 1 साल की गारंटी है हॉर्न की। एंड आफ्टर दैट जो साइड में हमने साइड प्रोफाइल में काम किया है, एक रेन वाइजर हमने लगाया है, वो एक्चुअली सर ने बोला हमें गैलियो का चाहिए, तो गैलियो का हमने स्मोक वाली क्रोम लाइन डोर वाइजर लगाई है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने नीचे में साइड विडिंग इसकी ओरिजिनल लगाई है, एंड आफ्टर दैट हमने बैक में जो है रिफ्लेक्टर लगाया है मैट्रिक्स में, जो कि ब्रेक पे, पार्किंग पे, इंडिकेटर पे, तीनों पे वर्क करेगा प्रॉपरली। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप सैस देख रहे होंगे, ये चेंज हुआ है जिसमें से कि आपको आपका जो ट्यूटर पहले ऐसा सैस आता है जो कि यहाँ पे रहता है, अभी हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, इसके अंदर हमने ट्यूटर सेस किया है, बिकॉज हमने यहाँ पे कंपोनेंट डाले हैं, तो कंपोनेंट के साथ जो होता है वो 2 स्पीकर्स आते हैं, 2 ट्यूटर आते हैं, 2 क्रॉसओवर आते हैं, राइट। तो क्रॉसओवर और जो स्पीकर्स होते हैं वो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जो ट्यूटर होता है वो लोग यहाँ पे ड्रिल करके या कटिंग करके मोटा मोटा लगाते हैं, वो लुक अच्छा नहीं लगता, वो ट्यूटर यहाँ पे निकला हुआ रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये सेस हमने चेंज करा है, ये भी देख सकते हैं आप, सेस भी रहता है ये, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने साइड मिरर का साइड मिरर रिले लगाई है,
और पावर विंडो की रिले लगाई है जो कि काफी मतलब कि गाड़ी की जो फंक्शन है उसको इनहेंस कर देता है। ठीक है, पावर विंडो की कौन सी लगाई हमने? पावर विंडो की रिले होती है जो कि सपोज दैट आप मार्केट कभी जाते हो और गाड़ी लॉक करना भूल गए तो उसको लॉक करते ही अपने आप चारों दरवाजे लॉक हो जाएंगे, मतलब शीशे लॉक हो जाएंगे, शीशे अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं। नाइस, तो ये भी हम एक बार डेमो देख लेंगे इसका। जी बिल्कुल, ये कैसे ये काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा काम लगभग वही 60,000 से 65,000 रुपए में हुआ। हाँ, अराउंड 65,000 का जो है बजट हमारा भी बना है। और जो एलॉयज है, एलॉयज आपको 38,000 का ओरिजिनल मिल जाएगा यहाँ पे विद इंस्टॉलेशन। ओके, वो अलग है उसका, वो अलग है, वो सर ने कंपनी में या आफ्टर मार्केट आई थिंक लगा लिया कहीं से, कहीं से तो वो बोले कि 40,000 इनके अराउंड में हमने लगाया, तो मान के चलो आप 1,00,000 के अराउंड में एलॉय व्हील के साथ फुल गाड़ी रेडी हो गई, फुल मॉडिफिकेशन हो जाएगा अच्छी क्वालिटी के साथ, और 60-65,000 के साथ आपका जो सिस्टम का काम है वो सिस्टम का काम ओवल और जो अभी मैंने दिखाया वो 60,000 के अराउंड में मैं करके दूंगा आपको विद लेबर। बहुत बढ़िया, मार्केट से कहीं से भी आप कोटेशन लेते हो, आप एक बार आके सन्नी कार एक्सेसरीज जो कि एमसीडी पार्किंग के अपोजिट साइड में है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको होटल आनंद मिल जाएगा या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी तो आपका नंबर, स्क्रीन पे भी हमारा नंबर मिल जाएगा, एक बार कॉल करके एटलीस्ट कोटेशन आप ले लो, एक बार विजिट करके आप क्वालिटी देख लो चीजों की, आफ्टर दैट आप मार्केट में कहीं भी काम करवाओ और फिनिशिंग आपको मैंने दिखा दी कि हमारा काम ऐसे रहने वाला है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि भैया ने बताया कि लगभग 65,000 रुपए के बिल में आप क्या क्या चीजें करवा सकते हो, एलॉय के साथ कितना बिल होगा? लगभग 1,00,000 रुपए के अराउंड होगा। बट हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 65,000 बिल हो आपका या फिर 1,00,000 रुपए, आपकी गाड़ी आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, चाहे अगर आपको एलॉय की जरूरत नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट 65,000 रुपए में सब कुछ सिस्टम, एम्बिएंट लाइट, सीट कवर, पीछे रिफ्लेक्टर, आपको उसमें चार चार कैमरा यानी कि 360 वाला कैमरा, स्पीकर्स हो गए, फ्लोरिंग हो गई, मैटिंग हो गई, ये सब कुछ अगर मिल रहा है तो भाई क्या ही चीज़ है। और साथ में भैया जैसे बार बार मेंशन कर रहे हैं, लेबर चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है, आपसे अलग से नहीं लिया जाएंगे लगाने के बाद, ये नहीं बोला जाएगा कि भैया लेबर चार्ज दे दो। Yes, ठीक है ना भैया? तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे प्योरिटी के साथ काम होता है, क्लैरिटी के साथ काम होता है, यहाँ पर आकर के अपना सारा काम करवा सकते हो। कहाँ पे? सन्नी कार एक्सेसरीज पे आ सकते हो, यहाँ पर अपना काम करवाओ, फोन नंबर भी आकर डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे मिल रहे होंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करो और आ जाओ। अब आपको उसका डेमो दे देता हूँ कि कैसे हमने जो इसमें रेल लगाई है पावर विंडो में, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने इसके जो विंडोज है ना ये ओपन कर रखे हैं, आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ, देखो विंडो हमने इसको डाउन कर रखी है, बट सपोज आप भूल जाते हो कि विंडो ओपन करनी है और फटाफट आप निकल रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी गाड़ी को सिर्फ लॉक करना है। हाँ, अब देखो लॉक करिया, लॉक करने के बाद इसके जो विंडोज है ना सब बारी बारी भाई अपने आप ऊपर चढ़ गए। ये होता है भाई रिले लगाने का फायदा कि अगर आप किसी से भी गलती हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में जब होते हैं तो गाड़ी को हम बंद तो कर देते लेकिन इसके जो विंडोज है वो चढ़ाना भूल जाता है। बट हाँ, यहाँ पर गाड़ी में मेमोरी लगा दी गई है ताकि वो याद रखे कि भाई इसके शीशे भी बंद करना है। तो ये वाला सारा काम आज अपने सन्नी कार पे हुआ है। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना, कोई चीज पूछना है कमेंट कर सकते हो, भैया को मैसेज कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कारखाना को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।